ये पशुपति पारस से मंगल पांडे की मुलाकात हुई है। पशुपति पारस की आवाज पर मंगल पांडे की मुलाकात हुई और एक घंटे तक दोनों ही नेता बैठकर बात करते रहे। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई और तीन दिन पहले भी मंगल पांडे की मुलाकात हुई थी पशुपति कुमार पारस से। पशुपति ने हाजीपुर सीट पर दावा ठोका था और चिराग और पशुपति दोनों के ही संपर्क में मंगल पांडे हैं। और इधर जीतन राम मांझी ने कहा है कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में शिक्षा से लेकर रोजगार और पंचायत से लेकर संसदीय व्यवस्था तक में 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, तभी महिला सशक्तिकरण के सपने को साकार किया जा सकता है। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर मांझी ने कहा कि 15 मार्च तक सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं बिहार में कैबिनेट में एक और पद की मांग के सवाल पर मांझी ने कहा कि उन्होंने कभी कोई शर्त ही नहीं रखी है और जो मिलता है उसे ही अच्छे से करके दिखाते हैं। मांझी ने एनडीए में ऑल इज वेल का दावा किया है। चाहे शिक्षा हो, चाहे सेना हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे जहां भी हो, हमारे बेटियों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। पढ़ाई के लिए भी 50% आरक्षण होना चाहिए। एमएलए, एमपी, राज्यसभा, काउंसिल सब में हमारे बेटियों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। बस 15 तक दिमाग शांत रखिए, 15 के पहले सारी बातें सामने आ जाएंगी। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है 15 तक। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी संभव है। एक मंत्री पद और मिलेगा आपके पार्टी को? ये मांग कहाँ हमारी है? हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। चलिए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने पशुपति पारस से संपर्क साधा है। पशुपति और चिराग में सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। पशुपति पारस ने बिहार बीजेपी प्रभारी से मुलाकात की है। विनोद तावड़े को लगाया गया है। सीट शेयरिंग को लेकर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और मुलाकात के दौरान पशुपति पारस ने स्पष्ट किया है कि हाजीपुर सीट पर उनका ही दावा बनता है और वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से अपनी दावेदारी बीजेपी के सामने रख चुके हैं और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विनोद तावड़े ने पशुपति पारस के सामने प्रस्ताव रखा था कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक बार फिर एक साथ हो जाएं, लेकिन यहां पर पशुपति पारस ने साफ किया कि अब एक होना संभव नहीं है। चिराग पासवान के साथ दल, दिल और परिवार कभी नहीं मिल सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पशुपति पारस ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि क्या होना है, पासवान परिवार में झगड़ा, एनडीए का काम बिगड़ा, यह सवाल यहां पर आता है क्योंकि बीजेपी चाचा और भतीजे को एक करने में लगी है, लेकिन जो हाजीपुर सीट पर जो जीत है वो बरकरार है। बीजेपी ने पशुपति से संपर्क साधा है, बात की है। पशुपति चिराग में सुलह की कोशिश बीजेपी करा रही है। बीजेपी को लगता है कि हम ये लोग मान जाएंगे। बिहार बीजेपी के प्रभारी से पशुपति कुमार पारस की मुलाकात हुई है। विनोद तावड़े से सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है। इसके अलावा पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट पर दावा ठोका है, जिस बात को लेकर चिराग पासवान भी वहीं स्थिर बने हुए हैं। पशुपति के सामने यह प्रस्ताव रखा गया है। तो बिहार में सीट शेयरिंग पर हलचल तेज हो गई। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की करीब 2.5 घंटे मुलाकात हुई है और दोनों नेताओं के बीच सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और बैठक में गठबंधन के सहयोगी दलों में कैसे सहमति बनाई जाए इस पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान संगठन मंत्री भीखूभाई दालसानिया और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी भी मौजूद रहे। अरे पार्टी के अंदर भी तो वार्ता होती है, पार्टी के संगठन और कैसे चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी, ये सारे प्रोसेस पूरे किए जा रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि पार्टी के तरफ से लोग अधिकृत हैं, सभी पार्टियों से वार्ता चल रही है, आप लोग को जल्द से जल्द खुशखबरी मिले। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर सभी लोगों से बात चल रही है, वार्ता पूरा होने के बाद तुरंत सूचना दी।